कहता है सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा बन बकिना एक सब लोग ना बोले लोग ऑर्केस्ट्रा होते जहिया ऑर्केस्ट्रा के नाम ले लोग तहिया आ जा सब हम देखिए चाचा और नारी के पूजन करते हैं नारी के हम ना चाहें और अवाफी के क्षेत्र में सबसे सस्ता सबसे सुंदर एवं आकर्षक पलंग कुर्सी टेबल डाइनिंग टेबल इत्यादि सभी प्रकार के फर्नीचर मिलेंगे नागेश्वर फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पता उसरी तारी रोड सिसवा कला के मठिया। नमस्कार प्रणाम। तो हम अभी बड़ुआ पंचायत के सारंग डुमरी गांव में आ गए बानी और एजा अइला के बाद सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में जो नाना प्रकार के एगो भव्य पंडाल बनावल गिर ओकरा के लेके हम सोचनी अपन जितना भी दर्शक बालो सबकरा के दिखाओ जाओ और बहुत अच्छा लागल कि हम उन्नीस सन के चौरा क्षेत्र में इतना बढ़िया पंडाल बनावल गिल बा और एजा सब तमाम लोग आयल बटे एजा सबकरा से एक बार हम बात करे के चाहे कि इतना बढ़िया पंडाल बनावे के पीछे का सोच रहा सा और हर साल काहे बनावल जाला कैसे बहुत ऐसा कार्यक्रम बाटे कि सब लोग ना बना पावेला और ये कार्यक्रम में सरस्वती पूजा में विशेषकर एजा ही प्रोग्राम होखेला कैसे पंडाल देखल जाओ तो आमतौर पर केवल दशहरा में ही लोग बनावेला बढ़िया बढ़िया लेकिन सरस्वती पूजा के लेके एजा बहुत सुंदर पंडाल बनावल गिल बटे और देख सकते हैं बहुत अच्छा लगा था और सब तमाम एजा लोग बटे ग्रामीण लोग बात इनका लोग सब मिल के बात करे के चाहे कि आखिर इतना बढ़िया बनावे के पीछे। तो भैया सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत बटे रहो हमार जैसे कि इजाद अहिनी है तो हम देखने के बहुत सुंदर पंडाल बनावल गेल बटे देख के बहुत अच्छा लागल का सोच के बोले सरस्वती पूजा में इतना बढ़िया पंडाल बनाव लीलो सोच के ना अपना मन के उत्सव से अपना बनावल जला अपना खुशी से कुछ उनके बुजुर्ग आदमी सब बारे में सब मदद करे लेन हमने के उत्सव में अपना बनावे नि लेकिन फिर भी ये गोना होखेला कैसे कि हमनी सन के चौरा क्षेत्र में आवनी सर और हमनी के बहुत चौरा में बनी सर फिर भी यात्रा लोग के दिमाग माइंड लेवल उतना आगे तक ना जा पावेला कि इतना बड़ी रीजन बनावल गेल भाई गांव के लोग अपना से बनेल बा कैसे कारीगर बोला ना गांव के लोग सभी अपन बुजुर्ग नौ मतलब गांव के बुजुर्ग लोग मिलके बने हुए थे बुजुर्ग इतना बढ़िया सब मिलके बनावल गए देख ली हो दे हो पर और एजा आके हम सबसे पहले तो हम बोलेम कि आई पहले रोवा लोग आई उस चीज के दिखाओ जाओ कैसे कि हर साल एजा एक से एक पंडाल बनावल जाला और ये साल भी बनावल गई बटे जाला के लेके हम मिशन के एजा आई बानी सर और देखो जाओ कितना बढ़िया है एजा को पोस्टर भी लगावल गई बा पोस्टर पे चीज दिखावे के भी कोशिश कर गई बटे कि हर साल देखिए कितना बढ़िया पंडाल बनावल जाला ई 2015 के तस्वीर हटे 2015 में भी बहुत खूब सूरत बना रहा है और 2016 के आते 2017 के आते 2018 के शायद नहीं के 2019 के बाद शायद फोटो ना मिलने की वजह से नहीं के बनावल गए और बहुत सुंदर पंडाल बनावल गए भाई सब पंडाल देख के एकदम मन खुश बाटे काहे से कि इतना बढ़िया धार्मिक कार्यक्रम में एजा के गांव के लोग सहयोग कइले बाटे तो हमरा लगत है कि गांव के जितना भी लोग बाटे भैया रउआ ई बताई कि धार्मिक कार्यक्रम में बहुत ऐसा लोग बाटे कि रुचि नहीं खेलते लेकिन एक गांव के लोग के मतलब देखा जाओ तो का मतलब सोच बाटे कि अपना धार्मिक कार्य नहीं ये जी बहुत सब कोई के रुचि बा आ इच्छा बहुत मतलब है सब कोई के शौक से लोग करेला एकदम माने पूजा पाठ मतलब शौक से सब लोग करेला लेकिन फिर भी एक देखा जाए लेके सयान तक ले बूढ़ तक ले माने सब के करेला है लेकिन सब के सहयोग बाय में सबके सहयोग बाटे बाबा बानी बाबा ई बताई कि ई पंडाल के बनेले बाटे बाड़ा हो जाए हमनी के हम नहीं हो के सहयोग बा आ इहां लोग के हां भाई बाड़े उहां का नाम पड़ी संतोष पंडित पटेल तो देख सकल जाता बहुत सुंदर लगता है एजा अइला के बाद से कि इतना बढ़िया बढ़िया एजा सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में बनावल गेल बा और इस समिति के नाम बाटे नवयुवक एकता संघ सारंग डुमरी बहुत अच्छा लगल है जा और तो जा हमरे साथे एगो चाचा भी बानी यहां से भी कुछ कह रही मिस्त्री हो दे बानी ना तो ये बताए कि रोवा सब लोग जब बनाओ जला तो गांव के युवा सब लोग के का सहयोग रहेला सबके सहयोग रहेला ये बताए सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा भइल बा कि ना हमनी के ऑर्केस्ट्रा नहीं ऐसा बहुत ऐसा कार्यक्रम में देखल गेला कि गांव के नवयुवक लोग ऑर्केस्ट्रा पे जोर देला और असली गाना बजा के सरस्वती जी के भाषण करेला लोग ना ना हमनी के यहां ऑर्केस्ट्रा बिल्कुल ना होला ऑर्केस्ट्रा बिल्कुल ना होखेला एकर खिलाफ देखा जाओ तो बहुत बढ़िया धार्मिक अगर कहल जाओ तो ये धार्मिक कार्यक्रम और भारत के जो संस्कृति बा ओके दिखावे के प्रयास कर गिल बटे और आज के युवा लोग के सोचे के चाहिए और गांव से सीख लेवे के चाहिए कि इतना बढ़िया पंडाल जो बा गांव में बनावल जाता आखिर का है और हमी सन के ऑर्केस्ट्रा में यह जोड़ जानी सला और खास कर एजा के लोग के ये तो सीख दे देले बा कि अश्लीलता के भगा के एगो बढ़िया ऐसा पंडाल बनावल जाओ जरा समी के भारत के संस्कृति दिखाओ जाओ ये पूरा खर से बनल बटे बिल्कुल बिल्कुल पूरा खर से एकदम खाली खरे लागल एक तरह के बनाए में कितना मतलब खर्च लागल होए खर्च लगभग अब 1 के आसपास 1 लाख के हां हां बिल्कुल 1 लाख रुपए लागल बटे एकदम हर चीज खरीदिए ना बनाए के बाद सभी का मजदूरी भी देना पड़ता है कोई अपना काम तो छोड़े सारा काम करने के लिए दिन भर नहीं है उसको मजदूरी भी देना फिर भी अगर देखा जाए सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में इतना ज्यादा पैसा खर्चा कर गिल बटे तो अपना उत्सव से
सब उत्सव से अपना गल गल बटे उमंग रो असल बच्चों का लगा सके यही पंडाल देखी कितना खर्च लागल बा तबे खर्च के हिसाब से खुशी से कहिला तो हम के उला से हम एक बार बोले मु के गांव के जन समिति के अध्यक्ष वाली लोग पर खर्च मिले को बजट में लिख दिलो ऐसे ना कि लोग देखी तो कहे कि हां वाकई में जा गांव के लोग आज तक लोग 50,000 रुपया ऑर्केस्ट्रा में भले खर्चा कर दी लेकिन हाथ ना बढ़िया पंडाल बनावे में क्यों खर्चा ना करे हमनी के ऑर्केस्ट्रा के पीछे ना भागे नहीं सब पंडाल के पीछे जरूर भागे नहीं सब पूजा पाठ के पीछे है 10,000 रुपया लाइक दो करके पर सहयोग से बने लो बने ला और तब बस विसर्जन के लेके का तैयारी चलत अभी विसर्जन के लेके काल विसर्जन बैठे काल विसर्जन 9 बजे सुबह से तो अभी तो जैसे कि देखा जाओ तो सरकार अभी डीजे पे पाबंदी लगा देले भी है पाबंदी बा ओकर कोनो अथी अभी के लाइसेंस ले भाई लाइसेंस मिल गए हां तो कोनो काम कर लेकिन अगर देखा जाओ जब अगर अश्लीलता नहीं के हो तो सरकार के भी इस चीज पे बैन ना लगावे के चाहिए खासकर कैसे कि हम ही चाहे के ई भारत एगो हिंदुत्ववादी देश हटे तो ऐसा ही सब चीज पे खासकर ना लगे के चाहिए का होखेला कि हम ही सन के जन युवा बाड़न एगो उमंग के साथे ई सब कार्यक्रम में भाग लेवेलन तो थोड़ा बहुत अगर गाना बजाता अगर हिंदू हिंदू रीति रिवाज के तहत सब कार्यक्रम होता तो ई सब पे ना लगे के चाहिए अश्लीलता खातिर जहाँ ऑर्केस्ट्रा होता वही बड़े पाबंदी लगावे बोले कि ना भैया तो देख सकत बानी हमारा साथ उहे चाचा बानी जॉन की इतना बढ़िया पंडाल बनैले बानी तो यहाँ से हम पहले दो चार शब्द सवाल करें कि चाचा सबसे पहले अपना नाम बताइए नाम का पड़ी संतोष कुमार प्रसाद संतोष कुमार प्रसाद इतना बढ़िया पंडाल बनैले बानी का सोच के रुआ इतना बढ़िया पंडाल बनैले बानी और ये चौरा क्षेत्र से होके इतना मतलब दिमाग कहाँ तक पहुँच पाई हाँ बाबा बोलने वाली चावरा ना दिया रहा था चावरा दिया रहा बात बराबर है बात है उसे कोई दिक्कत नहीं श्रद्धा वा माँ के प्रति और मन में को विचार वा को सोच वा जो कुछ अलग हट के होवे के चाहिए तो हर साल रहे बनावे नहीं ना ना हर साल हम ही ना बनावे नहीं सब के सहयोग से बने ला एक आदमी भी यदि हमें डिफिकल्ट निकल जाओ तो कौन काम हो सकता है तो बात बटे कि हर आदमी के सहयोग से ही सब काम होखेला लेकिन फिर भी रहुआ एमे जो राहुल रोल बटे काफी मतलब सबके उसे आगे बढ़े तो सब लोग बोल रहा था की मतलब राहुल जन बनावे के सब जितना भी जिम्मेवारी दिया जाओ तो ऊपर बटे एक दूसरे के परस्पर सहयोग से हमनी के काम करे नहीं जा जहाँ हम ना बतावे पाए नहीं तहाँ हमारे भाई लोग वालों चाचा लोग वालों ये लोग बतावे लोग जहाँ ये लोग ना सके लोग तहाँ हम बताए नहीं लेकिन सोच के हमारा ये लोग धरती पर उतारे लोग ये सबसे बड़ा बात ना तो कहीं ना कहीं देखा जाओ तो बहुत बढ़िया बन के लागल बा और भी बहुत सारा लोग बाटे जौन की सरस्वती पूजा के लेके बहुत ही अश्लीलता फैला दे बा सब लोग के का कहे के चाहता नहीं ऐसा तो ना होके चाहिए अब नारी के पूजन करके नारी के हम नचाई सबसे बड़ा काम और देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट के बात यहाँ के चाचा बोलने बानी कि नारी के को पूजा करके और नारी के को नचाओ जाओ बहुत अभद्रता का बात बा और साथ में सब चीज पे लगाम लगा के चाहिए एकदम होके के चाहिए ऐसे हम खिलाफ रहे नहीं ये चीज के हम माने उत्साह पूर्वक माने सहयोग भी ना करे के चाहे नहीं जो वो होक है लेकिन एहू जाते युवा बड़ा नहीं सब युवा का अपना बोले लान किसी के लेके चाहे एक एक शब्द लोग ना बोले लोग ऑर्केस्ट्रा होके जहिया ऑर्केस्ट्रा के जब नाम लोग तहिया है जैसे हम हट जाए तो देखिए चाचा ये कहला कि गांव के अगर जिम्मेवार है लोग अगर आगे एक कदम बढ़ के अगर गांव के लोग के साथ सहयोग करता तो बहुत बड़ा गांव के साथ साथ गांव के युवा सन के भी विकास होखेला देखिए चाचा कितना बढ़िया बात बोलनी है कि अगर गांव के युवा इस सब चीज खाती अश्लीलता खाती आगे आई तो हम पीछे पैर घिंच लेम जहां से कहा कि गाँव के युवा के मनोबल डाउन हो जाए उससे वो आगे ऐसा करे खाती ना सोचिए हर साल डे बनाने की मतलब नया नया लोग हर साल नया नया लोग ये लोग गाँव के लोग बनावे ला छोट छोट भाई वालों छोट छोट भतीजा वालों जन समिति बा एकर के अध्यक्ष वगैरह बना लो दयानंद सिंह वाले अध्यक्ष सचिव वाले हीरा लाल पंडित तो गांव में मतलब तमाम प्रकार के सब लोग बैठे गांव के मतलब आबादी कितना है सर्व जाति लोग वालों गांव के आबादी मान लीजिए अरे 5,000 का लमसम बा बहुत बड़ा गांव है कि छोटा गांव है छोटे गांव बा माने हर परिवार के 100 गो घर बा हां 100 गो घर में 10 आदमी को जोड़ ले तो 1,000 आदमी हो जाए है भाई बात सही बोल ले बानी देख सकत नहीं यहां के चाचा बानी और बहुत ही सुंदर यहां के प्रयास से बहुत सुंदर घर के पंडाल बनावल गिलवा बाकी बहुत अच्छा लगल है जा आके रहो सब लोग वीडियो में बन रहे जय हिंद जय भारत।